नमस्ते सभी को। तो अभी हम लोग अभ्यास 2 के स्टेप 3 पर अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मैं और शरीर के अस्तित्व में गतिविधियां हो रही हैं, उसमें निर्णय कौन ले रहा है। तो जो मैं शरीर को संकेत दे रहा हूं, उसका निर्णय किसका है। जो शरीर का संवेदना, शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूं, इसका निर्णय किसका है ना? उसी क्रम में हम लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग किया कि शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है और फिर देखना है कि संकेत देने का, संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन ले रहा है। अगर शरीर की स्थिति बदल रही है तो अपने आप बदल रही है, या उसमें मेरा निर्णय शामिल है। उसी क्रम में हम लोगों ने और भी चीजें देखी थी कि शरीर के साथ हर दान प्रदान में देखना है कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। जैसे कोई नियमित कार्य कर रहे हैं, सो उठना, बैठना, चलना, फिरना, घरेलू कार्य करना, तैयार होना, ऑफिस के नियमित कार्य करना, भोजन करना, भोजन बनाना, इन सब में भी हम देखते रहे कि अल्टीमेटली मैं का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, किस प्रकार है ये जो हरकत हो रही है शरीर से, इसका निर्णय कौन ले रहा है। ये भी देख सकते हैं कि अचानक किसी घटना पे अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका निर्णय भी कौन ले रहा है। भैया ये नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। उसका निर्णय कौन ले रहा है। गहरी सोच में अगर आप बने हुए हैं, उस समय क्या चल रहा है, आप में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, आपके और शरीर के बीच क्या चल रहा है, इन सब चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने से हमें ये पता लगता है कि शरीर के अस्तित्व में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, उसमें निर्णय तो मेरा ही है। यानी एक मानव के रूप में जो कुछ भी किया जा रहा है, उसमें निर्णय मेरा है। शरीर अपने आप में क्रियाशील है, शरीर की हर कोशिका अपने आप में क्रियाशील है, हर अंग क्रियाशील है, परंतु शरीर में कोई मानने की क्रिया नहीं है। और जहां मानने की क्रिया है, वहीं निर्णय है। इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शरीर की क्रियाएं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगी आपको, जब आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखाई देंगे। तो शरीर में इतने सारे अंग काम कर रहे हैं, है ना, हृदय काम कर रहा है, पेट काम कर रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, इतनी सारे आर्टरीज एंड वेन्स है, ये काम कर रहे हैं, और एक सुगठित ढंग से, सुरचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं। परंतु इसमें कोई मानने की क्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जैसा उनका गठन है, जैसी उनकी रचना है, उसके आधार पर ही हो रहा है। बट जब हम कोई हरकत कर रहे हैं तो उसमें एक क्रिया जुड़ जाती है। हरकत इस प्रकार भी हो सकता है, उस प्रकार भी हो सकता है। नाक पे मक्खी बैठी, उसको भगा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं कि नहीं। अब ये काम शरीर अपने आप कर लेता है या उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट है, वहां मानने की क्रिया भी हो सकती है, उसको भी देख सकते हैं, और उसमें कोई निर्णय शामिल होगा। अगर मानने की क्रिया है तो निर्णय शामिल है, क्योंकि जैसा हमने मान रखा है उसके अनुसार फिर हम संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। तो इसको बारीकी से अपने आप में ऑब्जर्व करना है। और जैसा हम लोग पहले भी बात करते रहे कि जब आप ऑब्जर्व करने जाए तो बिल्कुल ओपन एंडेड ऑब्जर्व करिए, शरीर में क्या हो रहा है, आप में क्या हो रहा है, ठीक, ये आप हैं भी कि नहीं, ये सिर्फ शरीर है, क्या हो रहा है, विचार चल रहा है, कहाँ चल रहा है, शरीर में चल रहा है, आप में चल रहा है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए। तो इसमें जो स्टेप 1 पे बात हो रही थी कि मैं और शरीर का स्पष्ट होना, वो भी स्पष्ट होगा। आपके और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, वो भी स्पष्ट होगा। और मानने की क्रिया आप में है, शरीर में नहीं, ये भी स्पष्ट होगा। अभी हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, YouTube पे ढेर सारी चीजें
पड़ी हुई है आज के दिन बुक्स में लिखा हुआ है, तो उससे कई बार ऐसा भी लगता है कि ये सब कुछ एक डिफरेंट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है, ठीक ना। तो सेल्फ के होने पे भी डाउट होने लगता है कि शरीर ही है, शरीर में एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे सब कुछ होने लगता है। तो उसको भी अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इससे मुझे अपने होने का ठीक ठीक पता लगता है। और ज्ञान के क्रम में ये एक बहुत ही मौलिक आवश्यक बात है कि मुझे अपना होना स्पष्ट हो, तब तो निरंतरता स्पष्ट होगी, तब तो शरीर साधन के रूप में स्पष्ट होगा, तब तो सुख स्वभाव के रूप में स्पष्ट होगा, तब तो जीने का प्रयोजन भी स्पष्ट होगा, और फिर हम अपने जीने में उपलब्धि का भी आकलन कर सकेंगे, क्योंकि तो जो कंटिन्यू कर रहा है उसमें ही उपलब्धि होगी, जो टेम्पररी है उसमें तो उपलब्धि का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए इसको देखना समझना इतना मौलिक है, इतना आवश्यक है। इससे कम में हम जो भी प्रयास करते हैं वो विचार विचार में रह जाता है। तो हम लोग जीने के कार्यक्रम को लेकर, जीने के ढंग को लेकर, तरीकों को लेकर बहुत सारा शोध करते रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु जब तक सेल्फ की कॉन्टिन्यूटी स्पष्ट ना हो तो पूरे जीने के कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या रहा, उपलब्धि क्या रही, क्या विकास हुआ, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सबसे हम देखें क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो जैसे अभ्यास एक में एक बात आ रही थी कि हम इस बात को देखते रहे कि मैं और मेरा भाव, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैं और मेरा शरीर, कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर के साथ बना हुआ हूँ। और ये भी हम देखना फिर शुरू करेंगे कि मेरा अपना कोई कार्यक्रम भी है कि नहीं, कि जो भी कार्यक्रम है वो शरीर से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं जो कुछ भी प्लान कर रहा हूँ शरीर की सीमा में ही प्लान कर रहा हूँ, या शरीर की सीमा से बाहर भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। जो भी दिन भर में मैं काम कर रहा हूँ शरीर की सीमा में ही कर रहा हूँ, या शरीर से बाहर की किसी सीमा में भी देख रहा हूँ, शरीर की सीमा से बाहर देख रहा हूं। तो इन सब मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो क्या होता है कि अभी हम सामान्य रूप से अपने आप को शरीर मानकर जी रहे होते हैं, और चीजें जब तक ठीक ठाक चल रही होती हैं हमें लगता है कि सब कुछ ठीक ही है, परंतु जब प्रतिकूलता होती है तो हमारे अंदर गहरे गहरे प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे एक मौलिक प्रश्न यही है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, जीने का प्रयोजन क्या है, क्यों जीना है। अब ये उत्तर तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक मैं और शरीर का सहअस्तित्व तो स्पष्ट ना हो जाए। क्योंकि यदि अपने आप को शरीर मान के जिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 80 साल जिए कि 8 साल जिए, अगर एक समय के बाद वही स्थिति बननी है कि नहीं। इतने बातों को लेकर, अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग को अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर था और उसको आज हम लोग बनाए रखते हैं। यदि किसी ने कल अलग से बैठकर इसको देखने का कम से कम आधे घंटे अभ्यास किया हो तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कल छुट्टी का दिन था, अगर हमको समय मिला हो, कई बार छुट्टी के दिन ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कि घर के काम भी कई सारे निकल आते हैं, परंतु यदि आपको आपको कल समय मिल पाया हो अपनी ओर अलग से ध्यान देने का, और कुछ ऑब्जर्वेशन आपके आए हो जिसको शेयर भी कर सकते हैं जी, बहुत ही बढ़िया। तो 10 मिनट हम लोग और अभी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी, तो कोई आपका प्रश्न हो, कोई आपका नया ऑब्जर्वेशन हो, कोई विचार हो, तो उसको हम लोग बात कर सकते हैं। अभी जब ये दूसरी बार इसको कर रहा हूं तो उस पर समय तो ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन प्रायः हर समय ध्यान बना रहता है कि जो काम कर रहे हैं वह सही समझ के आधार पर है या गड़बड़ी हो रही है, वो थोड़ा थोड़ा दिखता है स्पष्ट रूप में।
लेकिन वो जो नहीं करते हैं तो लगता है क्या कि अंधाधुंध हम दौड़े जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। और जो भी काम कर रहे हैं उसमें गौर कर रहे हैं तो सेल्फ के लिए उसमें नजर ही नहीं आता है। तो जब यह नजर नहीं आता है तो लगता है कि आखिरी इतना समय तो निकल गया है जीवन का, तो अब जो शेष समय है उसमें उसको हम कैसे सेल्फ के लिए ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। तो उस समय जब देखते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी चिंता होने लगती है कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि बाकी जो काम है उसको भी करने ही पड़ते हैं। यही भैया एक चिंता बनी रहती है और बहुत नहीं उस पर सेल्फ के लिए काम कर पाता हूँ। ध्यान जब देता हूँ तब थोड़ा देर के लिए सोचा कि हाँ इस पर इसके लिए क्या कार्यक्रम बनाओ, तो देखता हूँ कि जो कार्यक्रम बन रहा है या बना पा रहा हूँ वो शरीर के लिए रहता है। जी भैया यही अभी जी, इसमें दो बातें रहेंगी भैया। एक तो ये कि जो भी करेंगे उसको होश प्रूफ करेंगे, अभी हम होश प्रूफ नहीं करते हैं कई बार। जी 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 है ना जी, जो भी करेंगे उसको होश प्रूफ करेंगे कि मुझ में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के बीच में क्या हो रहा है, इसको देखते हुए करेंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। है ना। अब जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, ठीक है, हम उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करते रह सकते हैं। दिन भर बहुत सारा समय मिलता है जिसमें हमको शरीर का बहुत प्रयोग करने की जरूरत नहीं बनती। ऐसे आप दिन भर में देखेंगे तो 4 घंटे 6 घंटे तो मिल ही जाते हैं जिसमें शरीर का बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रयोग करने की जरूरत नहीं बनती। मतलब ये वेरिएशन हो सकता है जी बट वैसे आप देखें ऑन एन एवरेज हफ्ते में 7 दिन में अगर देखें तो इतना समय तो निकल आएगा, 1 दिन का समय करीब निकल आएगा। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में बैठे हैं तो कोई छुट्टी का दिन है तो एक बार हमारे अंदर प्रायोरिटी बन जाए कि मुझे मैं को देखना है, अपने आप को समझना है, शरीर को साधन के रूप में देखना है, ठीक है ना, तो वो सारा हम होश प्रयोग कर पाएंगे, उसका सदुपयोग कर पाएंगे जो भी अवसर बनेगा। दूसरी बात है कि जब हम होश प्रयोग करने जाते हैं तो बहुत सारे कार्यों का मूल्यांकन भी होने लगता है। जैसे ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि यदि हमारे पास अभी 2 घंटे का समय खाली मिल जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी अपनी थकावट है ना, कल्पनाशीलता में कोई या तो परेशानी है उसको दूर करने के लिए हम कुछ समय लगा देते हैं उसको किसी रूप में, है ना, उसका हम सदुपयोग करेंगे। हम अभी जो काम कर रहे हैं सुविधा उपार्जन के लिए उसका भी मूल्यांकन करेंगे कि वो कितना सार्थक है। अभी संबंधों के निर्वाह के लिए जो हम श्रम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करेंगे कितना सार्थक है। तो एक तो हम जो भी कर रहे हैं होश पूर्वक करेंगे, दूसरा हम अपने योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे, कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे, उसमें परिमार्जन करेंगे, कोई चीज आवश्यक है तो करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। हम जैसे अभी क्या होता है कि अगर हमें 1 दिन 2 दिन का समय मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो एक विचार बन जाता है कि भाई कहीं बाहर घूम के आते हैं, ठीक, अब इसका मूल्यांकन करेंगे कि बाहर घूम के आना ज्यादा जरूरी है या मैं और शरीर को समझना ज्यादा जरूरी है, तो उस कार्यक्रम का मूल्यांकन करके हम उसका सदुपयोग कर ले जाएंगे उस अवसर का। तो ये दूसरी बात है जी भैया जी। तो वो जो जब होश पूर्वक जीने की बात है या निर्णय लेने की बात है तो उसमें कुछ हद तक तो सफल हो जाता हूँ, लेकिन दूसरा नहीं हो पा रहा। जैसे पिछला 3 दिन की छुट्टी थी, उस 3 दिन में मैंने कार्यक्रम बनाया था कि कुछ, चूंकि वो जो पारिवारिक विवाद है उस पर समय मेरा बहुत ज्यादा चला जा रहा है, तो उसको सोचा था कि 1 दिन उसको दूं, 2 दिन में अपना सेल्फ और शरीर के लिए चिंतन करूं, लेकिन वो 3 दिन कंप्लीट बीत गया, सुबह से लेकर शाम तक उसमें लगाया और वो काम तो लगभग कंप्लीट हो गया लेकिन जो मुझे मुख्य काम करना था वो नहीं कर पाया। इसकी थोड़ी सी कसक रह जाती है कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ। जी भैया जी, नहीं बढ़िया है बढ़िया, कम से कम ध्यान में तो बना रहा। और उसमें भी देखिए ये जो पारिवारिक समस्याएं होती है उसको भी सुलझाने के एक तरीका तो ये हो सकता है कि सबसे बैठक में बात किया, विचार किया, कोई हल निकाला। दूसरा अगर हम देखें तो उसका होलिस्टिक सोल्यूशन भी निकालेंगे कि कोई भी समस्या पे बात करने से पहले हम संपूर्ण समाधान पे बात करेंगे। तो होता क्या है कि हर आदमी अपने अपने
मान्यताओं के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर चीजों को देखने का प्रयास कर रहा होता है, और उसमें फिर वह गणित लगाता रहता है, और फिर उसमें हम कुछ चीजों को फिट करते रहते हैं, उससे कुछ ज्यादा निकल नहीं पाता है। तो जैसे अगर इस तरह के भी इश्यूज है ना, तो हम उसमें पहले ठीक से बैठ के पूरे परिवार के साथ, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, समझ को लेके बात करें, 2-3 घंटा समय लगाएं, दिन भर का भी समय लगाएं अगर अवसर हो। हम कह दें भाई ये सारे इश्यूज एक किनारे रख देते हैं, पहले हम लोग साथ में सुखपूर्वक कैसे जिएंगे इस पे बात करते हैं, आप अपने आप में सुखी कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का झगड़ा है ना, अगले से हम पूछ रहे भाई पूरी प्रॉपर्टी आप ही को मिल जाए, दूसरे कुछ ना मिले, अभी तो हिस्से की बात हो रही है, दूसरे कुछ ना मिले, तो आपको लगता है कि आप समृद्ध हो जाएंगे, आपको लगता है कि आप सुखी हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, अभी लोग बहुत ही मतलब एक तरह से बेहोशी में जीने के अभ्यस्त रहते हैं, कई बार इतना भी नहीं सोचते कि जिस प्रॉपर्टी के झगड़े के लिए मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, अगर पूरी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे ही मिल जाए, अगले कुछ ना मिले, तो भी क्या मैं तृप्त हो पाऊंगा, सुखी हो पाऊंगा, समृद्धि का भाव मेरे अंदर बन पाएगा, या उसको और बढ़ाने के लिए मैं विचार करूंगा। तो क्या होता है, ये इस तरह के इश्यूज को भी यदि हम स्वयं में ठीक से मूल्यांकन करके रिजॉल्व करने जाएंगे तो एक अलग अप्रोच बनेगा। तो जितना ये हमारे अंदर होश बना रहेगा ना, अल्टीमेटली मुद्दा तो ज्ञान समाधान का है, प्रॉपर्टी का नहीं है, ठीक मान सम्मान का नहीं है एक दूसरे के साथ व्यवहार में, ज्ञान का है। दूसरा व्यक्ति अगर अपमान कर रहा है तो ज्ञान के अभाव में, पहला व्यक्ति अगर उस अपमान से दुखी हो रहा है तो ज्ञान के अभाव में, तो हम कोर इश्यूज पे काम कर पाएंगे। और फिर हम सिर्फ इस छोटे से परिवार की सीमा में ही सोचेंगे, है ना, हम तो पूरे अखंड समाज की सीमा में विचार करेंगे। तो वो अपने ऊपर भी हम अगर इस तरह के अभ्यास को कर पाते हैं, अपने ऊपर हम ठीक से ध्यान दे पाते हैं, तो ऐसे इश्यूज को भी रिजॉल्व करने में हमारी मैच्योरिटी अलग प्रकार की होती है ना? हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव अलग प्रकार के होते हैं, उसको भी ध्यान में रख लें तो है ना, ये अभ्यास और आपके लिए भी सफल होगा। जी जी भैया, अब तो ये करने के बाद या यूं कहें कि ये मॉर्निंग सेशन जब से किए हैं और थोड़ी समझ बढ़ी है, तो उसके बाद तो ये लगता ही नहीं है कि संपत्ति का कोई जरूरत है, और जो है या जो मिल रहा है वो मोर देन सफिशियंट है। वो प्रयास कर रहा हूँ भैया उससे समाधानिक होने का, बहुत स्पष्ट हो। नहीं नहीं, हर एक के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही समझना है, हर एक को समझना है कि अगर आवश्यकता से अधिक है तो हम उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, आवश्यकता से कम है तो हम उसको पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे। जी भैया, भैया जी, कभी कभी ये होता है ना, जैसे मन में कुछ उठा कि ये करना है या कुछ कार्य को करना है, फिर एक सहज स्वीकृति भी ली जाती है कि इस कार्य को किया जाए या ना किया जाए, तो कभी कभी मैं और सहज स्वीकृति के बीच में बड़ा द्वंद होता है। मतलब मुझे पता है कि सहज स्वीकृति क्या है, लेकिन मैं अपने मैं को ही नहीं समझा पाता हूँ, फिर उस द्वंद में काफी समय निकल जाता है, करें ना करें, करें ना करें। ये मेरा पहला सवाल है। जी देखिए, सहज स्वीकृति को अगर हम भाव के स्तर पर जाके पहचानने का प्रयास करेंगे तो उसके जो अन्यथा भाव है उसका ठीक से मूल्यांकन कर पाएंगे, नहीं तो विचार में तो वो चीज हमारे ऊपर दबाव के रूप में बना ही रहेगा। तो जो अन्यथा हम कार्यक्रम बना रहे हैं, अन्यथा कुछ करने जा रहे हैं, इसके लिए कुछ विचार हमने किया है, और विचार में हम सोच रहे हैं कि जांच लें, तो वहां पे एक तरफ से तो लगता है कि ठीक नहीं है, दूसरी तरफ से उसको हम जस्टिफाई भी करते रहते हैं, इसलिए हम उसका पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाते। अगर भाव के स्तर पर जाके देखें तो ठीक से मूल्यांकन हो पाता है। अच्छा भैया जी, थोड़ा कोई एग्जांपल देके तो समझाएंगे क्या? जैसे यही बात हो रही थी कि या फॉर एग्जांपल कि स्वस्थ रहना है, ऐसा अपनी सहज स्वीकृति है। अब सामने में कुछ ऐसा भोजन है जिसको खाने से शरीर बीमार पड़ सकता है, किसी को डायबिटीज हो सकता है और शुगर की चीजें सामने रखी हैं, ठीक, या ठंड का मौसम है और बहुत ठंडी चीज सामने रखी है, और ऐसा लगता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे, वो चीज खाना ही है,
और अंदर से ये भी लग रहा है तो ठीक नहीं है, बीमार पड़ेंगे। तो हम देखें कि स्वास्थ्य के प्रति हमारी सहस्वीकृति है, इसको भी एक बार ठीक से हम जांच भी लें कि है भी कि नहीं, और यदि है तो मेरे अंदर क्या भाव है जिसके साथ मैं उसका चयन करने जा रहा हूँ। तो संवेदना सुखी होने का भाव है। अभी जो संवेदना सुखी होने का भाव है इसको हम देखेंगे अपने आप में, यदि मैं संवेदना से सुखी न हो तो मेरे पास सुख का और क्या स्रोत है। तो ऐसा लग सकता है कि और कोई स्रोत ही नहीं है मेरे पास, तो मैं बाध्य हो जा रहा हूँ इस संवेदना सुखी होने के लिए। तो भी आदमी अगर अपने आप में लोकेट करे तो अगर इन दोनों स्रोतों को हटा दे, कोई संवेदना से भी सुखी नहीं होना है और दूसरे से भाव पाकर ध्यान पाकर भी सुखी नहीं होना है, तो उसके पास कोई स्रोत ही नहीं बचता है। क्या करें, तो स्रोत को हमने जागृत किया नहीं है और इसको रोक रहे हैं, तो मैं तो है ना, मुझ में तो छटपटाहट होगी। जहां से सुख जो भी मिल रहा है उसको भी हमने रोक दिया, और जिस सुख मिल सकता है उसका आता पता नहीं। तो उस केस में क्या करें, मतलब जो आप ये स्थिति बन जाती है कि स्रोत का आता पता नहीं है और उससे संवेदनाओं से या किसी के भाव से सुखी लेना नहीं है, तो जो ब्लैंक स्थिति बन जाती है उस केस में क्या करें? उसको समझे, देखिए लेना नहीं है ऐसा भी नहीं करें, इसको आप रोक दें, अदरवाइज फिर परेशानी होगी। हाँ ठीक है ना, तो उसको हम अपने आप में देखें कि ये जो सुख मिल रहा है ये कितनी देर तक मिलेगा, इसमें क्या उपलब्धि है, और ऐसा कोई विकल्प भी हो सकता है कि नहीं, क्या स्वयं में सुख का कोई स्रोत हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो वह स्रोत क्या है, फिर वो चीज खाए चाहे ना खाए, है ना, उस पर अपने आप में काम चलता रहेगा कि भाई ये तो परिस्थिति फिर से बनेगी, कल फिर सामने रसगुल्ला आएगा, कल फिर ये है ना आशा बनेगी इसको खा लिया जाए, कल फिर मेरे अंदर द्वंद्व चलेगा ये कब तक चलाना है। ऐसे में भैया जी कभी कभी जैसे खाली है पता है और द्वंद की स्थिति है तो YouTube पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है, पता नहीं कब एक डेढ़ घंटा चला जाता है पता नहीं चलता। हाँ ठीक है ना, देखिए कम से कम जो शरीर को बिगाड़ रहे थे उससे कुछ बेहतर स्थिति हुई कि आपने अगर समाधान के लिए यूट्यूब चलाया तो अच्छी बात है उसको चला लिया, बट अपने अंदर जो होना है काम ना उस पर तो काम करना जरूरी है ही, और वो हम काम 24 घंटे कर सकते हैं। तो कई बार जो ये बात होती है ना कि भाई कोई समस्या का निराकरण करना है ये हमारा संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, समाधान पे हम काम करते रहें, समाधान के लिए प्रयास करते रहें, ये मेरा कंटिन्यूअस प्रोग्राम हो सकता है ना। उस क्रम में अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसका समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। भैया जी मेरे कंटिन्यूअस प्रोग्राम नहीं है तो ये प्रोग्राम फिर बन नहीं पाता, सफल नहीं पाता। यही हो ही रहा है, क्योंकि सहज स्वीकृति का तो पता है क्या है और भाव से सुखी अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ये पता चल रहा है कि भाव से या अनुकूलता से सुख दुख का कोई मतलब नहीं है, तो अब करें तो करें क्या, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है खाली बैठे क्या करें। ये बात अपने आप में तय करना जरूरी है, जो कुछ शरीर की सीमा में ही है, तभी हम खाली हुए तभी हम व्यस्त हो गए, शरीर के लिए कुछ करना है तो व्यस्त हो गए, शरीर के लिए अभी नहीं कुछ करना है तो खाली हो गए, है ना। बट मेरा अपना प्रोग्राम क्या है, सेल्फ के लिए सेल्फ द्वारा क्या प्रोग्राम है। अच्छा भैया जी एक सवाल मेरे को और पूछना है, मेरा दूसरा सवाल है जी, जैसे कैंसर, कैंसर एक बीमारी है, तो कैंसर में जो मेरे को ज्ञान है मतलब जो मेरे को पता है वो कोई सेल का डिसऑर्डर होता है, तो क्या हम जैसे तनावग्रस्त हो गया या मतलब ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अपने तनाव जो मेरे को पता है तनाव से आता है या दुख से आता है जो भी है इसके पीछे इशू समथिंग लाइक दिस, तो क्या हम खुश हो के इसका भी निवारण कर सकते हैं? देखिए इसमें जितना मैं की भागीदारी है उसको तो परिमार्जित किया जा सकता है, तो जब
शरीर में कोई रोग होता है तो उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है, मैं पे भी पड़ता है। जी जी तो जो मैं पे पड़ने वाला प्रभाव है उससे तो आप मुक्त हो सकते हैं ज्ञान के आधार पर, समाधान के आधार पर, ठीक है ना। आप समझ के साथ आप संकेत देंगे शरीर को, परेशानी के साथ दुख के साथ नहीं देंगे, ये तो हो सकता है। बट शरीर में जो रचना विरचना हो रही है उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है उसको उपलब्ध कराकर आप उसको ठीक कर सकते हैं, या जो अनावश्यक तत्व है उनको बाहर करके ठीक कर सकते हैं। वो भी काम सजगता पूर्वक सटीकता से तभी कर पाते हैं जब स्वयं में आराम में होते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि रोग हुआ कैसे। काफी संभावना है कि मैं की नासमझी से ये कई बार रोग हो जाते हैं, अनलेस कोई दुर्घटना हो, है ना। अगर हमारे जीने के तरीके से ही कोई रोग हो रहा है तो मैं की नासमझी ही है। तो जैसे आप कोई तंबाकू खा रहा है ना, तो गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये सब होता रहता है। सिगरेट पी रहा है होता ही रहता है। तो भाई हम अपना जीने का कार्यक्रम ही ठीक कर लें। भैया मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया, बोला कि जो संवेदना के आधार पर या किसी पर सुख है उसके बाद अगर वो नहीं है तो ब्लैंक हो जाता है। लेकिन अगर हम, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, संवेदना के आधार पर जब हम सुख लेते हैं तो अगर हम कंटिन्यूसली उसको वापस देखने का जो प्रोसेस अगर चल रहा है तो ऐसा नहीं ब्लैंक नहीं होता है, उसके पीछे दुख आता है। तो अगर हम देखने का प्रोसेस कर रहे हैं तो सुख के उस समय सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में अगर दुख आ रहा है और देखने का प्रोसेस कंटिन्यू है तो कहीं कहीं हम उसको जोड़ते हैं, तो फिर हम उसमें अपने कहीं कहीं डिसीजन बनता सेल्फ के अंदर कि उस प्रक्रिया में वापस नहीं जाना है, और वो डिसीजन धीरे धीरे स्ट्रोंग होता रहता है। तो फिर आपके जो संवेदना के आधार पर जो सुख है, उस वो वाला जो सुख है, उसके लिए आप वापस प्रयास नहीं करेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे जब उसको कर रहे होंगे तभी। ये थोड़ा सा मेरे ऑब्जर्वेशन में आया। ठीक बात है। तो ये जितना इतना हमारे अंदर होश बना रहता है, जितना इतना अवेयरनेस बना रहता है, उसके अनुसार आगे जो हमारी स्थिति होती है उसमें एक परिवर्तन तो दिखाई देगा। तो उसी चीज को अब जब खा रहे हैं और होश पूर्वक खा रहे हैं, है ना, तो उसका मूल्यांकन तो शुरू हो जाता है। इनफैक्ट उस चीज के दृश्य बनने के साथ ही हमारे अंदर मूल्यांकन शुरू हो जाता है कि अब क्या करना है। तो ठीक बात है, ये बिल्कुल पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं। थैंक यू भैया जी। बढ़िया भैया, अभी जो बात भैया के, जब हम ये देखते हैं कि हम संवेदना या अपने नातों के भाव पर अपना आनंद निर्भर कर लेते हैं, और जब वो उसका निर्वाह नहीं हो पाता तो एक असहायता और परतंत्रता की फीलिंग आती है, और वो भी नेचुरली एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि क्यों मैं ये इस पे डिपेंडेंट हूँ। मतलब एक अंदर एक अंदर एक आवाज निकल गई कि नहीं, मुझे इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्यों मैं ये परतंत्रता में हूँ। ये भी एक अंदर आता है। तो और आपने जो बात कही के, तो मैं अपने आप के लिए, मतलब वो बहुत अपने आप का मेरा क्या प्रोग्राम होगा जी जी सर, तो इस पे थोड़ा आप मतलब थोड़ा ये विवेचन कर देंगे क्या? मतलब हाँ ठीक बात है। देखिए तो अगर मुझे इसमें परतंत्र नहीं होना है, हाँ, तो फिर मेरा कार्यक्रम क्या है? अगर मुझे सुख के लिए शरीर पे भी निर्भर नहीं होना है, किसी अन्य व्यक्ति पे निर्भर नहीं होना है, किसी भौतिक रासायनिक वस्तु पे निर्भर नहीं होना है, और मैं अपने आप में सुखी होना चाहता हूँ, तो मेरे पास सुख के लिए क्या कार्यक्रम है, ये तो तय होना बिल्कुल जरूरी है। इसी क्रम में मैं को समझना भी जरूरी है, इसी क्रम में ये दिखना भी जरूरी है कि मैं निरंतर हूँ, शरीर सामयिक है। तो हम उसको अपने आप में लोकेट करेंगे
कि अभी मैं जिन विधियों से सुख पाने में लगा हुआ उसको लिस्ट बना ले कि मैं कब कब सुखी होता हूँ, ठीक, फिर उसका मूल्यांकन कर ले कि इसमें जो सुख मिला कितनी देर तक मिला, जिसको मैं सुख भी कह रहा हूँ वो सुख था या कुछ और था। जैसे बाहर से कुछ भी मिलता है वो एक सूचना होती है, किसी ने हमको अच्छे से ग्रीट किया, गले लगाया, हाथ मिलाया, एक सूचना मिलती है मुझे बाहर से, उसको मैं अर्थ देता हूँ। ये आगे हम लोग को और स्पष्ट होगा, मैं उसको अर्थ देता हूँ, वो जो मैं अर्थ दे रहा हूँ, ठीक ना, वो मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे पता लगे कि कल इसी व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली है और आज आकर गले मिल रहा है हाथ तो अब मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जी, तो मैंने उसको एक अर्थ दिया है। वैसे ही शरीर से कोई संवेदना मिल रही है, मैंने उसको एक अर्थ दिया है जी। तो मेरा क्या रोल है मेरे सुखी होने में, वो भी हमको स्पष्ट होता है। तो ये जो मैं का होना है शरीर से भिन्न, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जब ये दिखता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो दिखता है कि शरीर से मुझे सिर्फ सूचनाएं मिलती हैं, चाहे शरीर से आने वाली संवेदना से या दूसरा व्यक्ति भी व्यवहार कर रहा है, वो भी तो एक संवेदना के रूप में मुझ तक पहुंच रहा है जी। ना, कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, वो भी एक संवेदना के रूप में मुझे पहुंच रहा है, मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ और इस अर्थ देने का आधार मुझ में है, फिर मैं उस पर कर्म गंभीरता पूर्वक कर पाता हूँ जी। जी भैया जी, यहाँ ये हम इस पे भी मूल्यांकन कर सकते हैं ना कि जो सिस्टम का ये हम भाग हैं, उसको हम क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मतलब ऐसी भी कई चीजें हो सकती है, जैसे कि मैं ये सृष्टि का भाग हूँ, मैं मेरे कुटुंब का भाग हूँ, तो ये मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उससे मैं क्या क्या दे पा रहा हूँ ये व्यवस्था को, या क्या ले रहा हूँ ये व्यवस्था से, इससे मतलब अपने को हाँ, बट उसमें भी आप पाएंगे कि ये कई बार हम इस तरीके से अपने आप को उपयोगी होने का प्रयास करते हैं, उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं कि मैं सिस्टम के लिए उपयोगी हो जाऊं, मैं परिवार के लिए उपयोगी हो जाऊं, मैं समाज के लिए उपयोगी हो जाऊं। बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे होते हैं समाज में इस आधार पर कि मेरी उपयोगिता बढ़ जाए, परंतु उसमें जब तक उसके आधार में अपनी निरंतरता स्पष्ट नहीं है, तो वहां पे भी हम उपयोगी होने के बाद कुछ आशा रखते हैं बाहर से। हमने परिवार के लिए कुछ किया और परिवार के अंदर मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, ठीक, या हम जितना कर रहे हैं उससे और अपेक्षा बढ़ती जा रही है जी, या हमने समाज के लिए कुछ किया, समाज में ग्रेटिट्यूड नहीं है, समाज मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मेरा एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहा है, मैंने सिस्टम के लिए कुछ किया वहां भी यही स्थिति बन रही है, तो फिर हम अपने आप में फिर परेशान होना शुरू होते हैं जी, उससे मेरा सुख सुनिश्चित नहीं होता, फिर नहीं होता है जी, इसलिए सेल्फ को सुनना जरूरी है। मतलब हाँ, अभी यही अभी जो देख पा रहा हूँ वो ऐसा है कि अभी हम कुछ आधार बनाए उसको कि इस पे मेरा मूल्य होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन का, तो वो मेरा आधार बन जाता है आनंद लेने का, और फिर वो आधार टेम्पररी रहता है, तो वो जब बदल जाता है उसका रूप, तो फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैं कुछ अलग आधार बनाता हूँ मैं छोड़ के शायद, या ऐसे आधार, तो आप ये मतलब ये एक्सपीरियंस किया है पहले भी कि वो आधार निरंतर बना रहता है ऐसा नहीं। हाँ, है ना ठीक बात है। हाँ, कहीं ना कहीं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का भाव बना रहता है जी जी। तो वो ये देखना रहना जरूरी है कि जो हम सहज स्वीकृति बोल रहे हैं, तो वो उसका उसका पैटर्न देख सकते हैं कि भैया जैसे आपने बोला कि आप नोट कर दीजिए कि ये इसमें मुझे वो सहज स्वीकृति लगती है, तो ये मेरा आनंद का आधार बना रहा है, तो ये मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख सकता हूँ।
हाँ, इनफैक्ट ये पैटर्न वाली बात एक अच्छी है। इसमें क्या है, सह स्थिति का तो कोई पैटर्न नहीं होता, वो तो अपने आप में है ना निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है, परंतु हमारे संस्कारों का एक पैटर्न होता है। तो ये हम जरूर नोट कर सकते हैं कि मैं किस बात से कब परेशान होता हूँ, मैं किस बात से कब अपने आप में खुश हो जाता हूँ, है ना, मैं किस बात से संबंधों में खुश होता हूँ सामयिक रूप से, इसको तो जरूर नोट कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कई बार जैसे आप कल दिन भर हो सकता है कहीं पे समय लगा दिए, 1 घंटा 2 घंटा मनोरंजन में समय लगा दिए और आपको लगता है कि देखो समय व्यर्थ गया, बट इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि ये 2 घंटा मैंने लगाया समय जो मनोरंजन के लिए, उससे पहले मेरे साथ क्या घटित हुआ था जी। तो आप पाएंगे कि किसी बात से हो सकता है मैं परेशान हो गया, ठीक जी, और उस परेशानी को कम करने के लिए हमने 2 घंटे का समय लगा दिया जी, है ना। तो हो सकता है कोई बात, हाँ, तो आपको अपना एक संस्कार दिखेगा वहां पे कि इस बात से परेशान होता हूँ, फिर जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं इस तरह से अपने आप को रिझाने का प्रयास करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हम सब अपने लिए नोट कर सकते हैं, है ना। तो हमें अपने संस्कार स्पष्ट होते हैं कि मैं किन किन बातों से परेशान होता हूँ, उस परेशानी को कम करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करता हूँ। कोई मनोरंजन करता है, कोई है ना गॉसिप करता है, कोई सोशल मीडिया पे चला जाता है, कोई हो सकता है बहुत ही वैसे स्थिति में देखें कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई स्मोक करने लगता है, कोई सो जाता है ना, कोई एकांत में चला जाता है, कोई पब्लिक गैदरिंग में चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है। तो आप पाएंगे कि हमारा अपना एक संस्कार होता है, हम किन बातों से परेशान होते हैं, परेशान होकर हम क्या करते हैं, उसको हम नोट कर सकते हैं जी। किन बातों से मेरे अंदर विरोध का भाव आ जाता है। तो ये तो बहुत उपयोगी रहेगा अगर हर व्यक्ति अपने संस्कारों का ऐसे अध्ययन कर पाए, फिर उसके ऊपर जाके ठीक से काम करेंगे, है ना। उसको बाद में हमने नोट करके देखा पढ़ा कि इस बात से मैं परेशान होता हूँ, जैसे अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, ठीक, तो हमारे लिए वो इरिटेशन का, एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, और फिर मेरे व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है, फिर मैं हर एक के साथ चिल्ला के बात करने लगता हूँ, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब ये मैंने अपना एक संस्कार, अपना एक पैटर्न नोट कर लिया, तो मैं पहले से अवेयर हूँ कि ये मेरे साथ कठिनाई है, ठीक है ना। अब उसमें मैं गंभीरतापूर्वक काम करूंगा, अपने भाव को वहां देखूंगा, अपने विचार को वहां देखूंगा, अपने संस्कार को वहां देखूंगा, उस पर काम करूंगा जी। ये तो काफी ठीक रहेगा, ये तो अपने ऊपर रिसर्च करने जैसा है, और ये बिल्कुल इसको कर लेना चाहिए। इसको करने से हाँ, इसको कर लेने से क्या होता है कि हमको अपने गहरे गहरे संस्कार भी पता चलते हैं। फिर आप वहां पूछना शुरू करिए कि अगर बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी और मैं परेशान हो गया तो किस बात से परेशान हो गया, ठीक जी, मुझे क्यों लगता है कि उसको मेरे अनुसार चलना चाहिए जी, मैंने क्या ऐसा माना हुआ अपने बारे में या बच्चे के बारे में, फिर उसको क्वेश्चन रेज करेंगे। जी भैया जी जी। और एक जस्ट एक ही अनुभव के, जैसे हमारा जो अनुभव रहता है, मतलब सेंसेशन के तरफ ध्यान दूं, तो ये होता है कि कभी हमें सुखद सेंसेशन मिला हुआ होता है उससे, और वो हम रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वो सहज स्वीकृति में नहीं रहते तो हमारे पास एक लिस्ट रहती है, जैसे आपने भैया बोला कि अपने प्रोग्राम रहते हैं, कि पहले हुए मेमोरी में हमारे जो अनुभव रहते हैं कि ऐसा मैंने किया था तब मुझे ये सुखद सेंसेशन मिला था जी, तो वो हमारा एक गो टू लिस्ट रहता है कि जहां हम जाए, मगर वो रिपीट करते तो वो मिल जरूरी नहीं है, वो वही मिले तो जी। उसका भी तो देख लें कि जब हम कोई मेजर लेते हैं, कोई तरीका अख्तियार करते हैं, तो उसका आउटकम क्या रहता है, उसमें क्या अनिश्चितता रहती है ना जी, उसमें क्या क्या आशंकाएं या संभावनाएं रहती हैं, उससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है जी। जी भैया ये तो बिल्कुल देखिए, जैसा हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो मेथोडिकली उसको हम पूरा एक्सपेरिमेंट को नोट करते हैं, है ना, एक एक डेटा लेते हैं, वैसे ही अपने आचरण के बारे में भी एक एक डेटा लेना ठीक रहेगा, ठीक उपयोगी रहेगा। उसको हम अगर करके अपने आप में देखें तो मुझे अपने संस्कारों का पता चलता है,
जी इसको हम लोग ऑब्जर्व करें अपने आप में। बस यही पूछना है भैया कि प्रयोजन का जो स्पष्टता है, प्रयोजन की खुद में कम होना, ये क्यों है, और अगर वो स्पष्टता बढ़ानी है तो क्या काम करें, बस ये पूछना है। जी भैया देखिए प्रयोजन ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक बात मैं बताता हूँ ना, ये कहीं क्लास में डिस्कशन में आया था जहां मैं और शरीर की बात हो रही थी। क्या होता है कि जब तक हमको मैं की कॉन्टिन्यूटी स्पष्ट ना हो तो प्रयोजन भी स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। तो क्लास में कहीं एक जगह अभी इसी सेमेस्टर में कोर्स में डिस्कशन हो रहा था मैं और शरीर पे, तो एक बच्चे ने कहा कि अगर मैं अपने आप को शरीर मान लूं तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो हमने कहा ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शरीर है। अब शरीर सामयिक है पता ही है, उसने कहा हाँ पता है। एक समय के बाद शरीर शांत हो गया, उसने कहा शांत हो गया। फिर उसको गाड़ दिया गया या जला दिया गया, ठीक है। फिर वो मिट्टी का हिस्सा बन गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक पौधा उपा पौधा निकला, बोला ठीक है। उस पौधे को एक गाय ने खाया, बोला ठीक है। गाय ने गोबर किया, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच गए। हेलो हाँ जी भैया, जी जी मेरा थोड़ा मेरी साइड में आवाज है इसलिए मैंने म्यूट किया था। तो ये मैंने थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे बताया कि ये प्रयोजन स्पष्ट होना इससे जरूरी है हम सब के लिए, कि सेल्फ की कॉन्टिन्यूटी को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब इस सेल्फ की कॉन्टिन्यूटी स्पष्ट होती है तो उससे समझ में आता है कि क्या टेक अवे है मेरा, क्या अचीवमेंट है। तो जो भी हम शरीर के साथ जुड़कर कर रहे हैं इसमें एक सामयिकता दिखाई देगी। तो अल्टीमेटली प्रयोजन तो निरंतरता के अर्थ में ही स्पष्ट होगा, तो उस निरंतरता को देखना है। तो शरीर से जो मेरा जुड़ाव है उसमें जो सामयिकता है, शरीर के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसमें जो सामयिकता है, जी तो निरंतरता मेरा स्वभाव है, उस निरंतरता को पहचानना है, उस निरंतरता को देखना है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हम क्यों प्रश्न को पूछेंगे। हाँ बस वही पूछते हैं तो, बट इतनी क्लैरिटी नहीं बनती है खुद में, तो वही फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी क्लैरिटी, ऐसे कहेंगे। हाँ दीदी, उसमें ऐसा करेंगे उसके वो प्रश्न को हम बार बार पूछेंगे। हाँ जी, क्यों प्रश्न को हम बार बार पूछेंगे कि इसका आउटकम क्या है। जी ठीक है जब तक मतलब ठीक है पूछतेंगे और ठीक है आएगी क्लैरिटी। हाँ तो उसमें हम जैसे कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। हम घर में कोई काम कर रहे हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, समाज में कोई भागीदारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे उसका प्रयोजन क्या है। फिर जो भी प्रयोजन लगेगा उसके फिर पीछे क्या प्रयोजन है उसको भी देखेंगे। जी ठीक है, कभी आंसर आते हैं मतलब मिलते हैं, या कभी फिर वही हम रुक जाते हैं या मिल नहीं पाते आंसर, तो उसके लिए फिर क्या करें, या क्लैरिटी नहीं बनती है फिर ऐसे लगता है। हाँ उसमें फिर जैसे अगर नहीं आंसर मिला उसको ओपन रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसको और लोकेट करेंगे, उसको और लोकेट करेंगे, उसको और अपने आप पे पहचानने जाएंगे। तो वही कि यही ट्राई करना है कि खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करें, ये कहना ठीक है। हाँ उसमें ये जो प्रस्ताव में मिल रहे हैं इसका भी सदुपयोग करेंगे। इस प्रस्ताव के आधार पर हम अपने आप पे देखेंगे है ना, इससे कोई क्लैरिटी बनती है कि नहीं। जी तो हाँ, और फिर हम उसको अल्टीमेटली देखेंगे कि मेरा स्वभाव तो कॉन्टिन्यूटी का है, तो मैं कॉन्टिन्यूटी चाहता हूँ। उस कॉन्टिन्यूटी के लिए मेरे पास क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, ऐसा क्या है जो मेरे अंदर कॉन्टिन्यू करेगा। अगर हम उसको देखने जाएंगे तो
तो हमको इस बात पे और स्पष्टता बनेगी कि अल्टीमेटली उसका एसेंस क्या है जो भी मैं कर रहा हूँ। जी करते हैं हम, और कहीं थोड़ा सवाल बने तो पूछेंगे भैया। जी बढ़िया दीदी, तो हम लोग आज इसी अभ्यास को जारी रखते हैं। ये जो स्टेप 3 के अभ्यास हैं, जो प्रश्न है उसको हम लेके चलते हैं। इसको आज हम फिर से अपने आप में ऑब्जर्व करें, कल हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। जी तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।